स्टूडेंट, इस बार की जो एक्टिविटी है एक ड्राइंग एक्टिविटी है, और ड्राइंग एक्टिविटी में हम एक एनिमल ड्राइंग सीखेंगे जो कि कैट। स्टेप स्टेप से मैं तुमको पहले स्केच सिखाता हूँ, बाद में कलरिंग। तो देखते हैं पहले स्केच। स्केच के लिए एक सर्कल वाली थिंग हमें लगने वाली है, जो कि सेंटर में, बराबर सेंटर में ऐसे एक हाफ सर्कल निकालना है, सेमी सर्कल। कोई भी सर्कल वाली थिंग की हेल्प से ऐसे बराबर सेंटर में पेच के रखकर पेंसिल से ऐसे ट्रेस करना है, और इस तरह से एक हाफ सर्कल बनाया। हाफ सर्कल बनने के बाद इसमें और एक इस कॉर्नर पे हाफ सर्कल निकालना है। हाफ सर्कल निकालने के पहले ही एक ऐसी क्रॉस लाइन बनाई, और उसके हेल्प से हम ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से वही थीम यूज करके हमें और एक हाफ सर्कल निकालना है। ऐसे दो हाफ सर्कल निकालने के बाद यहाँ अंदर का पार्ट थोड़ा गया वाला इरेज करो। यहाँ पे दो छोटे सर्कल जिससे आंखें बनेंगी, एक ट्रायंगल, ये नोज, और ये ऐसे डब्ल्यू शेप से माउथ। सभी स्केच एकदम हल्के हाथों से, ताकि गलत हुआ तो इजी से तुम इरेज कर सको। एक ऐसे क्रॉस लाइन और इसको आप सरकर एक कान बन जाएंगे। नीचे दो ऐसे पैर, सामने के साइड में ऐसे दो पैर, और पीछे और ऐसे एक दूम। छोटे दो ऐसे हाफ सर्कल ऊपर, और नीचे साइड में ऐसे तीन सर्कल पीठ पे। इस पे इस तरह से हमारा स्केच कंप्लीट होता है। स्केच कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक मार्कर पेन या फिर ब्लैक कलर की स्केच पेन की मदद से इसे ट्रेस करना है। इतना स्केच होने के बाद इसे मार्कर पेन से ट्रेस करो। इधर से दो मूछे और इधर से दो मूछे। इस तरह से स्केचिंग ट्रेसिंग कंप्लीट होती है। अभी देखते हैं इसकी कलरिंग। ठीक है, कलरिंग हमें
क्रियॉन के कलर से करना है। आपके पास क्रियॉन है तो क्रियॉन, नहीं तो फिर पेंसिल कलर से भी कलर कर सकते हो। स्किन कलर दिया मैंने, स्किन के बदले तुम येलो आकर का यूज भी कर सकते हो। पूरी कलरिंग अंदर के अंदर करना है। जितना तुम्हारा स्केच बना है उसके अंदर कलर करो, जो स्पेस कलर कर रहे हो उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना, और अंदर का पूरा फिल करना है। पूरे बॉडी को एक ही कलर स्किन कलर देना है। हाथों को, पैरों को, उसके फेस, उसकी दूम पूरे एक ही कलर से कलर करना है। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी कलर होने के बाद इस पे जो डॉट है उसमें तुम अलग अलग कोई भी तुम्हारे मन से कलर कर सकते हो। और नीचे के साइड में थोड़ा ग्राउंड दिखाना है, तो ग्राउंड दिखाने के लिए थोड़ा और ब्राउन कलर देना है, डार्क ब्राउन।
जो पार्ट तुम्हारा कलर आउटलाइन के ऊपर गया हो तो ब्लैक कलर से इसे फिर से ट्रेस कराओ आउटलाइन, नहीं तो फिर मार्कर पेन से क्या भी चलता है। तुम्हारे पास मार्कर पेन नहीं है तो फिर पूरा कलरिंग होने के बाद इस तरह से ब्लैक क्रेयॉन से आउटलाइन किया तो भी चलता है। लास्ट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये ड्राइंग कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू।